Four. Assalamu alaikum. Today is your science class and we will be reading the food pyramid. Last time humne food groups ko padha tha. They were fats, protein, carbohydrates, minerals and vitamins. Aaj hum food pyramid padhenge. Food pyramid means hume kaun si cheez kitne amount mein leni chahiye. How much should we eat of different kinds of foods? How do we know if the foods we are eating are good for us? How much of each kind of food should we eat? क्या पूछ रहे हैं? They are saying हमें कौन सा खाना कितना खाना चाहिए और हमें ये how will we know कि ये खाना जो हम खा रहे हैं हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? The food pyramid is a guide. ये क्या है? Food pyramid एक guide है कि आपको कौन सा food intake ज़्यादा लेना चाहिए, कौन सा कम. To help us answer these questions, to make it simple for us, the food pyramid is arranged in different kinds of food we commonly eat. अब हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड कर दिए, यानी कि ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड बीन्स, मिल्क, योगर्ट एंड चीज़, फैट, ऑयल्स एंड स्वीट्स, ये हम सब खाते हैं और हमने इसको अब डिफरेंट उसमें शो करा है. इट शोज़ दैट नॉट ऑल द फूड्स आर इक्वली हेल्दी. वी शुड ईट लेस ऑफ द फूड्स एंड मोर ऑफ द अदर्स. जो फूड हेल्दी हैं, जैसे प्रोटीन होता है, जैसे एग है, मिल्क है, ये हमें ज़्यादा लेने चाहिए. और वो फूड्स जो कि कम न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर, वो हमें कम लेने चाहिए, जो कि हमें नुकसान भी दे सकते हैं अगर हम ज़्यादा लेंगे तो. यू कैन सी दैट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पिरामिड इज़ ग्रेन्स. ओके स्टूडेंट्स, कम टू दिस पिक्चर. ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड पिरामिड. ये क्या है? फूड पिरामिड. तो जो आपने सबसे ज़्यादा हमें खाना है ना, वो हमें ये खाना है. और इसमें क्या है, तमाम ब्रेड्स हैं और सीरियल्स हैं, पॉरेज है, ब्रेड है, रोटी है. तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिसमें, जिसको हम उर्दू में अनाज बोलते हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा लेनी है. उसके बाद हमें क्या लेना है, मैक्सिमम ये लेके, तो आप ये देख सकते हैं. उसके बाद फ्रूट, वेजिटेबल्स हैं. वेजिटेबल्स को इन्होंने लिया हुआ है कि आप वेजिटेबल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लें बिकॉज दे आर हेल्दी. उसके बाद उन्होंने फ्रूट्स दिए हुए, फ्रूट्स भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लें और ये भी हेल्दी हैं. फिर उसके बाद हमें एवरेज जो लेना है वो क्या लेना है, जो दिन में कोई भी ऐसी हम दो दफ़ा ले सकते हैं, चूज़ एनी टू, यानी हम फ़िश खा सकते हैं और फ़िश के साथ हम जो हैं वो प्रॉन्स लिखा हुआ है इन्होंने और मीट लिखा हुआ है, वाइट मीट दिया हुआ है इन्होंने बेसिकली. तो वाइट मीट हमें खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं और फैट्स कम होते हैं. उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि ये भी आप दिन में एक से दो दफ़ा खा सकते हैं. इसमें क्या है, इसमें आइसक्रीम क्या है, ये फैट्स हैं, शायद फैट्स का है पिक्चर, तो ये हम खा सकते हैं. और हमें ये भी खाना चाहिए, यानी मिल्क और चीज़ और ये सब चीज़ें हमें कम से कम खानी है, जो भी फैटी हैं, केक्स हैं, हमें कम खाना चाहिए. और ज़्यादा क्या खाना चाहिए, ये जो नीचे चार हमें दिए गए हैं. We should eat 6 or more portions a day of these foods. The food at the top of the pyramid can be harmful to us. जो सबसे टॉप पर हैं वो हार्मफुल हैं, ठीक है, उसमें स्वीट ज़्यादा है, जो कि जिसमें आ जाता है कि केक्स डाले हुए हैं, बर्गर्स डाले हुए होंगे, या तो इससे ही हमें कम लेना है. You can see that the fruits and vegetables are separated. This is because fruits contain more sugar. Fruits में ज़्यादा sugar हैं तो fruits थोड़े कम खाने, 3 खाने हैं. और vegetables में क्या है, कम शुगर है, ठीक है, एंड लेस डाइट्री फाइबर देन मोर वेजिटेबल्स. वी शुड एम टू ईट एटलीस्ट 4 or 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स. हमें 4 से 5 दफ़ा सब्जियां लेनी चाहिए, सर्विंग्स खानी चाहिए. वाटर एंड एक्सरसाइज एज वेल एज ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, आर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर एंड एक्सरसाइज टू फंक्शन. अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हेल्दी रहने के लिए. वी शुड टेक लॉट ऑफ वाटर, वी शुड डू एक्सरसाइज. वाटर, All the systems in your body need water to function. सारे systems, जितने भी system हैं आपकी body के अंदर, they need water ताकि वो अच्छे से function करें. If you want your body to perform properly and efficiently, you need to drink plenty of fresh and pure water daily. Properly and efficiently means अच्छे तरीके से आपकी body work करे और efficient होके करे, अच्छे से करे, तो हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा water लेना है और clean water लेना है. वाटर कैरीज ऑल द मटीरियल्स टू द सेल्स ऑफ योर बॉडी. वाटर क्या करता है, ये तमाम मटीरियल हमारी बॉडी में पहुँचाता है.
यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली. ये आपको 6 से लेकर 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली लेने हैं. एक्सरसाइज अलॉन्ग विद अ हेल्दी डाइट यू शुड नीड टू बी फिजिकली एक्टिव. एक्सरसाइज मेक यू फील गुड. इट इम्प्रूव्स योर बॉडी सर्कुलेशन एंड कीप द बोन्स एंड मसल स्ट्रांग. सो ईट राइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बी एक्टिव एंड लिव अ हेल्दी लाइफ. ये आपकी जो हेल्दी रहने की चीज़ें हैं वो क्या हैं? सबसे हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना है? अच्छा खाना खाना है, राइट खाना खाना है. यानी कि हम बहुत ज़्यादा पेस्ट्रीज वगैरह खाएँ या बर्गर्स खाएँगे तो हम हेल्दी नहीं हो सकते. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और हमें एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसी तरह हमारी लाइफ क्या होगी? हेल्दी. कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड्स. अब कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड्स के बारे में पढ़ेंगे. प्रिजर्विंग फूड्स मतलब फूड को बहुत देर के लिए प्रिजर्व करना. रॉ फूड सच एज फ्रेश वेजिटेबल्स हैव टू बी वॉश्ड वेल बिफोर दे आर ईटन. जब हम भी कोई भी फ्रूट खाते हैं तो हमें उसको वॉश करना है, वेजिटेबल्स को वॉश करना है और फिर खाना है. मैनी फूड्स आर कुक्ड, वी कैन फ्राई, बॉयल, स्टीम, बेक और रोस्ट फूड्स. कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट. कुकिंग क्या करती है? इसको सॉफ्ट कर देती है, टेस्टी कर देती है और ईजी डाइजेशन में कर देती है. कुकिंग किल्स जर्म्स इन द फूड. और कुकिंग क्या करती है? जो जर्म्स फूड के अंदर अगर होते हैं तो उनको किल कर देती है. ओवर कुकिंग कैन फूड कैन स्पॉयल इट. लेकिन ओवर कुकिंग अगर हम कर देंगे, ज़्यादा उसको हीट दे देंगे तो भी वो फूड ख़राब हो जाएगा, जल भी सकता है और उसके मिनरल्स भी ख़त्म हो सकते हैं. ऑल द मिनरल्स एंड विटामिंस आर रिमूव फ्रॉम द फूड इफ़ इट इज़ ओवर कुक. अगर हम ज़्यादा कुकिंग करेंगे, उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे देंगे तो हमारा जो मिनरल्स हैं वो उसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे. फूड कैन बी फ्रोजन एंड प्रिजर्व टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग. अगर हम फूड को फ्रिज में रखते हैं या डीप फ्रीजर में रखते हैं तो वो उसमें बैक्टीरिया देर से आता है और वो स्पॉइल होने से बच सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. रीड कीजिएगा इस चैप्टर को. आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और वी आर डन बाय दिस चैप्टर. कुछ नोट्स मैं आपको बुक में भेज दूंगी जो कि आपने बुक में करने हैं और कुछ हम आपको कॉपी में कराएंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.